विद मी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ मींस अंशु के साथ इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास में, जहां पर मैं आज बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज करेंगी एंड दैट विल मेक यू अ बेटर एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके फेवरेट टॉपिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेके आई हूँ बहुत ही नए अंदाज से, जिसको सीखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को भी ये इंक्रीज करेगी। तो आपको बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक, और इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करते जाना है मेरे साथ, ताकि यू नो कि हम राइट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। कि आपको प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा फ्लूएंट होंगे उस चीज़ में, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगी, सेंटेंसेस प्रोवाइड करूँगी, आपको वैसे वैसे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो इंग्लिश लेवल है वो इंक्रीज हो सके। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, एंड वीडियो की ओर बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, द स्ट्रक्चर इज डोंट लाइक द वे, जिसका सेंस होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका मींस होता है, तरीका पसंद नहीं है। नेक्स्ट है मींस नथिंग टू, कोई मायने नहीं रखता। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, उसका बिहेवियर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, उसके इमोशंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, लाइक दिस, दिस इज व्हाट आई वांट टू, मतलब यही तो मैं चाहता हूँ। ओके यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, यही तो मैं देखना चाहता हूँ, यही तो मैं पाना चाहता हूँ, यही तो मैं हल करना चाहता हूँ, लाइक दिस व्हेन एवर यू स्पीक। फाइटिंग शाई ऑफ, मतलब शर्म आ रही है, कोई भी चीज़ करने में मुझे शर्म आ रही है, देन यू कैन यूज हियर फाइटिंग शाई ऑफ। तो आज हम लोग इस सारे पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इन सारे सेंटेंसेस को यूज करेंगे। इट सीम्स दैट, इसका मतलब होता है ऐसा लगता है, जैसे हम यूज करते ना बहुत बार, ऐसा लगता है तुम परेशान हो, ऐसा लगता है वाह दुखी है। तो जब भी हम इस तरह से सेंटेंसेस को यूज करते हैं, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने के लिए आप इट सीम्स टू दैट का किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पांच स्ट्रक्चर, जो कि काफी कमाल का और काफी ज्यादा एडवांस और लर्नेबल स्ट्रक्चर है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एज लर्नेबल स्ट्रक्चर, ऑल दिस स्ट्रक्चर इज लर्नेबल, सो यू हैव टू बी रेडी, आपको तैयार हो जाना है इन सारे बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर, जो कि है तरीका पसंद नहीं। जैसे हम कभी बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब जिस तरह से तुम बातें करते हो, दैट आई डोंट लाइक। ओके, या फिर तुम्हारे बहस करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। ओके, तुम्हारे बैठने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारे खाने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे खाते, मतलब कि बहुत अजीब तरह से खाते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं तुम्हारे खाने का तरीका ना मुझे पसंद नहीं है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर और कैसे इसे यूज कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। So now I'm going to erase it. मैं इसे पहले remove कर दे रही हूँ, and after that I will tell you that how you can use these types of sentences. So सबसे पहले I will erase this.
के लिए सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमें देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे है, सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट डोंट, लाइक द वे, डोंट लाइक द वे, यहाँ पे आपको यूज करना है द वे ऑफ, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे यूज करना है आपको सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। अदर वर्ड होगा तो यहाँ पे आपको यूज कर देना है अदर वर्ड, अदरवाइज देर इज नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको ऑफ नहीं यूज करना है, ओनली यहाँ पे यू हैव टू यूज योर सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इफ इन द सेंटेंस देर इज ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज इट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ओके। सो ये रहा स्ट्रक्चर, आई डोंट लाइक द वे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन यूज योर सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज योर द वर्ब with the first form and after that object, okay? इसका sense होता है, इसका मतलब कि मतलब होता है मुझे ये तरीका पसंद नहीं। जैसे for example, example से हम समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है। जैसे कोई लोग बहुत ज्यादा ईगो में आपके बात करते हैं, मतलब कि, और बहुत सारे लोग अगर आप बात करें तो उसका उल्टा जवाब देते हैं, तो वैसे यूज करते हैं ना, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है, ओके। तो कैसे, या फिर अगर आप इसे पॉजिटिव सेंटेंस में भी अगर देखें तो मुझे तुम्हारे बैठने का तरीका पसंद है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा डिसेंटली बैठ रहा है, उठ रहा है, लोगों से बात कर रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, उसके लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है, मुझे तुम्हारे बैठने का तरीका पसंद है, ओके। तो इस तरह से आप दोनों सेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, इन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, बोथ ऑफ द सेंस दैट यू कैन यूज हियर, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे नहीं पसंद है, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका नहीं पसंद है। तो सिंपली सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट है मुझे, मतलब आई, अब क्या यूज करेंगे डोंट, आई डोंट लाइक, यहाँ पे लाइक, आई डोंट लाइक द वे The way you, अभी the way, अभी next subject क्या है, तुम्हारे बोलने का है ना, तुम्हारे बोलने का, तो तुम्हारे बोलने का मतलब you speak, okay? मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है, I don't like the way you speak. I don't like the way you speak. मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे तुम्हारे बहस करने का तरीका पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे बहस करने का तरीका पसंद नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा मतलब बहस करते हैं, उनके अगर कोई समझा रहा है उन्हें तो सिर्फ कि वो उससे बहस करने लगते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मुझे तुम्हारे बहस करने का तरीका पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे बहस करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, सेम एज, आपको सेम करना है, सेम लिखना है, आई डोंट लाइक द वे यू
आर्ग्यू, मतलब मुझे तुम्हारे बहस करने का तरीका पसंद नहीं है। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारे ये करने का तरीका पसंद नहीं। ओके, सो आपको इस पे कई बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करने हैं एंड यू आल्सो हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज यू नो सेंटेंसेस एज अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे खाने का तरीका पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक द वे यू ईट। मुझे तुम्हारे बैठने का तरीका पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक द वे यू सिट। मुझे तुम्हारे चिल्लाने का तरीका पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक द वे यू शाउट। ओके, मुझे तुम्हारे रोने का तरीका पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक द वे यू क्राई। ओके, तो ऐसे आप डेली अपनी लाइफ डेली अपने रूटीन में जितने भी डेली रूटीन में अपने आप सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, स्पीक करते हैं, तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस है, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि आपकी इंग्लिश को और अप लेवल तक ले जाने के लिए। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज। ओके, आपको प्रैक्टिस में साथ करते रहना है, करते चलना है, ठीक है, ताकि आप इन सारे सेंटेंसेस को कवर कर सके। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर अभी आपको इसको पॉजिटिव में बनाना हुआ तो किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, आई विल टेल यू दैट हाउ टू यूज इन अ पॉजिटिव ऑफ द सेंटेंस। ओके, कि मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है। अभी यहाँ पे हम सिर्फ क्या यूज कर देंगे, आई लाइक। ओके, यू हैव टू यूज योर ओनली। देखिए अभी अभी आपको अभी तो आपने निगेटिव सेंस में पढ़ा कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं पसंद है। ओके, मुझे तुम्हारे बैठने का तरीका नहीं पसंद है, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका नहीं पसंद है, मुझे तुम्हारे घूमने का तरीका पसंद नहीं है। ओके, अब इसी का हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि हाँ हम नेक्स्ट पार्ट में पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लाइक हो जाएगा, द वे हो जाएगा and subject again and after that you have to use here the first form of verb and other word or object you can use here whatever। ठीक है, तो subject like the way, subject the first form of verb and object same ऐसे रहेगा। आपका जो don't था वो don't हट जाएगा only, क्योंकि don't हमने negative sentence के लिए लगाया था, but this is the positive sentence that when we you know admire someone else then we use it। okay, when we appreciate someone's that I like the way you talk। okay, तो इस तरह से हम use करेंगे इसका। जैसे examples से हम समझते हैं इसको, हम positive में लेते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छी बातें करता है तो हम क्या बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद है। ठीक है, अब इसमें आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिए आप कैसे बोलेंगे इसको, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है। सिंपली आपको पता है आई लाइक द वे, तो यहाँ पे हमने यूज किया मुझे, मतलब आई लाइक द वे। अभी आप क्या करने का, आपके बात करने का, तुम्हारे बात करने का। सो आई लाइक द वे यू, अब बात करना है यू टॉक। ओके, यू टॉक, आई लाइक द वे यू टॉक, मतलब मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद है, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू स्पीक, मुझे तुम्हारे बैठने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू सिट, मुझे तुम्हारे खाने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू ईट, मुझे तुम्हारे आप बोल सकते हैं मुझे तुम्हारे कई सारे सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे तुम्हारे लिखने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू राइट। ओके, मुझे तुम्हारे पढ़ने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू रीड और यू स्टडी। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा कि हाँ आप इसको दोनों सेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब चलिए हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं एंड आई
होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर, ये आप इसे सेकंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं बट मैंने आपको दोनों पार्ट बताए हैं, सो दैट्स व्हाई। बट नाउ लेट्स मूव अहेड टू व्हाट्स नेक्स्ट। अब ये स्ट्रक्चर की मैं बढ़ते हैं। अब ये काफी ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है जो कि आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते चलना है मेरे साथ ताकि आप कभी इसे भूले ना और इजीली आप इस चीज को यूज कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा अगला स्ट्रक्चर है मीन्स नथिंग टू मी। यहाँ पे नेक्स्ट आपको यूज कर लेना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट मीन्स नथिंग टू, यहाँ पे आपको यूज कर देना है ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका जो सेंस होता है वो होता है जैसे हम जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस को स्पीक कर दें कि तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारा घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, या फिर ये घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और मतलब जब भी हम इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नथिंग मीन्स नथिंग टू, फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे जब हमें कोई सेंटेंस कहना होता है कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, बट इस तरह से हम किस तरह से इन कोई मायने नहीं रखती सेंटेंस को किस तरह से पूरा करते हैं, चलिए देखते हैं और चलिए सीखते हैं कुछ एग्जांपल से मायने नहीं रखती वाले सेंटेंस को, ठीक है। काफी कमाल का और काफी ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हुआ तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब बहुत ही सिंपली आप इस चीज को यूज कर सकते हैं कि तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो कैसे यूज करेंगे। अब तुम्हारा काम हो गया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया काम, तुम्हारा काम मतलब योर वर्क, योर वर्क। अब यहाँ पे एक चीज आपको और भी यूज करना है, दैट्स कॉल्ड इज, ओके, सो योर वर्क इज। अब यहाँ पे नथिंग मीन्स नथिंग टू मी, योर वर्क इज मीन्स, यू डोंट हैव टू यूज हियर इज, आपको यहाँ पे ऐसे ही यूज कर देना है, योर वर्क मीन्स। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मीन्स नथिंग टू, तो यहाँ पे हमने यूज किया मीन्स नथिंग टू, नथिंग टू। अब किसके लिए, मेरे लिए, तो नथिंग टू मी, योर वर्क मीन्स नथिंग टू मी, मतलब तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारा काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, योर वर्क नथिंग टू मी मीन्स नथिंग टू मी, ओके। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, अगर आपको कहना हुआ उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ठीक है, उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अब सिंपली आपको पता है क्या यूज करना है, सबसे पहले उसकी बातें मतलब हिज
उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, वहां जाना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, यहाँ बैठना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इस तरह से आप उसे, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे इमोशंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तुम्हारा ग्रुप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब मायने नहीं रखता मतलब मींस नथिंग टू मी। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू विल प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं इसे मिटा देती हूँ एंड आपको प्रैक्टिस करते चलना है, आपको मेरे साथ दोहराना भी है सेंटेंसेस को ताकि आप भूले ना एंड आप इजीली इसे यूज कर सके। देखिए चलिए हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है अगला स्ट्रक्चर है this is what I want to and you have to use here the first form of verb, okay? तो यहाँ पे आपको use क्या करने हैं, this is what I want to and after that यहाँ पे आपको use कर देने हैं verb की first form। जिसका सेंस होता है यही तो मैं, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज करते हैं जब हम कहते हैं, जब हम स्पीक करते हैं इस तरह के सेंटेंस, यही तो मैं बताना चाहता हूँ, यही तो मैं घूमना चाहता हूँ, यही तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ मैं यही तो करना चाहता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं ये। अब कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं चलिए देखते हैं। एग्जांपल से हम इन सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन काबू करते हैं और देखते हैं कि हाँ कैसे इन सारे सेंटेंसेस को कि यही तो मैं ये करना चाहता था कि इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यही तो मैं सुनना चाहता हूं, ठीक है? यही तो मैं सुनना चाहता हूं, ओके? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यही तो मैं सुनना चाहता हूं, ओके? तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, अब देखिए आपको सिंपली दिस इज व्हाट आई वांट टू का यूज करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज कर दिया This is what I want to. अभी काम क्या हो रहा है, सुनना चाहता हूं मतलब this is what I want to। अभी काम क्या हो रहा है सुनने का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा listen। This is what I want to listen। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, ओके? यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे अगला सेंटेंस है यही तो मैं बताना चाहता हूँ, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। अब ऐसे आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा इस तरह के सेंटेंस, जैसे कि अभी आपने
मैं एक मूवी का नाम जरूर करने वाली हूँ, दैट्स दैट इज कूली नंबर वन। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, साइंस से पता चलने के बाद जब वो लड़की के मामा आते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये कूली है। ओके, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कूली है। तो यहाँ पे आप इस सारे सेंटेंसेस को इस तरह से यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी डेली लाइफ में ऐसे कई सारे मतलब बातें होती रहती हैं जब आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं कि यही तो मैं कहना चाहता हूँ या फिर यही तो मैं बताना चाहता हूँ। सपोज दैट आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, बट इंस्टेड कि वो हाँ आपको बोल दे, तो आप ऐसा बोलते ना, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। ओके, तो इस तरह से आप इस सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब जैसे यही तो मैं बताना चाहता हूँ तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे यही तो मैं बताना चाहता हूँ, सेम आपको ऐसे ही बोलना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू, दिस इज व्हाट आई वांट टू, अभी बताना मतलब टेल, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। ओके, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। ओके, अब अगर हमें यूज करना हो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू हो जाएगा। वहां पे आपको अदर वर्ड और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी डेली कन्वर्सेशन और डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में इसको यूज करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकती हैं। सो इस पे आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी। ओके, तो इस पे आप कई सारे सेंटेंसेस को ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी यू, दिस इज व्हाट आई वांट टू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पीक, दिस इज व्हाट आई वांट टू हैव, दिस इज व्हाट आई वांट टू, वेयर आई वांट टू गो। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे यूज इसको कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी कमाल का बट काफी ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है ये सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे इरेज करते हैं, इसे रिमूव करते हैं एंड बढ़ते हैं हमारे अगले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की ओर, जो कि काफी कमाल का और बहुत ही स्पेशल सा स्ट्रक्चर है। सो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आई होप कि आपने इसे अपने नोट में उतार लिया होगा ताकि आप इसे भूले ना, और आप इस पे प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी परफेक्ट। ओके, तो उतना ही ज्यादा ये क्या होता जाएगा, परफेक्ट होता जाएगा। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। ओके, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, एवरी डे करनी है। ओके, तो इन जितने भी मैं सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो आपको चाहिए कि आप उस पर प्रैक्टिस भी करते चले मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फाइटिंग शाय ऑफ एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। एंड यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज कर देना है। ठीक है, फाइटिंग शाय ऑफ, एंड यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट यूज कर देना है और अदर वर्ड यहाँ पे आपको यूज कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे इस माँ की जगह पे आप वाज या वर्ड भी लगा सकते हैं व्हेन वी स्पीक इन यू नो व्हाट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जब हम पास्ट कंटीन्यूअस में सॉरी प्रेजेंट या पास्ट कंटीन्यूअस में जब हम स्पीक करेंगे तो वाज या वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइटिंग शाय ऑफ का यूज है, काफी कमाल का यूज है, ये है आपका ऑफ। ठीक, सो इसका सेंस होता है मतलब किस
शर्मा रही है। जैसे हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस को आपने यूज किया होगा, जैसे मुझे लड़कियों से बात करने में, जैसे मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आई थिंक हैव हियर दैट द बॉयज ऑलवेज यूज द सेंटेंस दैट मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है, या फिर मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है। तो जब भी हम बात करते हैं कि मुझे ये काम करने में शर्म आ रही है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं फाइटिंग शाई ऑफ का। ठीक है, काफी कमाल का और बहुत ही अच्छे से हम इसको यूज करते हैं और काफी ज्यादा यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि मुझे शर्म आ रही है। ओके, जैसे हमारा पहला जो एग्जांपल है वो है मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। अब सिंपली आपको क्या यूज करना है, मुझे मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे I am fighting shy of। अभी क्या करने में शर्म आ रही है, काम क्या हो रहा है, बात करने में। तो मतलब I am fighting shy of talking to girl। ठीक है girls, ओके, I am fighting shy of talking to girls, ओके, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। ओके, I am fighting shy of talking to girls, मतलब मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं कि मुझे ये काम करने में शर्म आ रही है। ओके, जैसे मुझे पूछने में शर्म आ रही है, जैसे ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूज किया एक सेंटेंस, मुझे मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है। ठीक है, मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है। मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है। हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस, सेम एज ओके, अब सपोज दैट आपको कुछ पूछना हुआ किसी गर्ल से एंड तो आप क्या यूज करेंगे, दैट इज अगर आपको शर्म आती है तो आप क्या यूज करते हैं कि मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है, मुझे ये बात उससे पूछने में शर्म आ रही है। ठीक है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है। तो सिंपली आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, देखिए I am fighting, ओके, आपको इस तरह से आपको सिंपली इसे बना लेना है फाइटिंग, I am fighting shy of। अब क्या यहाँ पे यूज करना है टॉकिंग, सॉरी आस्किंग टू हिम और आस्किंग टू हर। ओके, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ आस्किंग, क्योंकि पूछने का काम हो रहा है तो आस्क होता है आईएनजी लगेंगे आस्किंग टू, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ आस्किंग टू हिम। ठीक है, मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ आस्किंग टू हिम। अब ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं कि मुझे ये काम करने में शर्म आ रही है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं कि मुझे, जिसमें हम बात करते हैं कि मुझे ये काम करने में शर्म आ रही है, तो वहां पे हम यूज करते हैं फाइटिंग शाई ऑफ का। अब जैसे अगर आपको क्रिएट करना हो, जैसे आपको ये सारे सेंटेंसेस मैं आपको स्पीक कर रही हूँ एंड आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, इसे इंग्लिश में बोलना है, जैसे मुझे वहां जाने में शर्म आ रही है,
मुझे उससे मुझे यहाँ बैठने में शर्म आ रही है, ठीक है, मुझे शादी में जाने में शर्म आ रही है, ओके, मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आ रही है। तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में स्पीक करना है, इन्हें बताना है कि इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है? सो ड्रॉप द कमेंट्स नाउ दैट हाउ यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। इस तरह के इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो जल्दी से बताइए कि इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है? सो ये तो रहा आपका, मुझे शर्म आ रही है, ठीक है? तो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी इस पे। जल्दी से ड्रॉप दी कमेंट, ओके, कमेंट को जल्दी से ड्रॉप करिए। एंड आई वांट टू सी दैट हाउ यू क्रिएट, ओके, आपने हाउ यू क्रिएट इन दिस द सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस, ओके, आपने किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया इससे रिलेटेड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम करते हैं रिमूव। तो रिमूव करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो अहेड, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। तो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी कमाल का और काफी ज्यादा लर्नेबल इन स्ट्रक्चर है। द स्ट्रक्चर इज दैट सीन्स टू, ओके, सीन्स टू का एक स्ट्रक्चर है। देखिए अगला स्ट्रक्चर है इट सीन्स, इट सीन्स दैट, करना है। यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर दे रही हूँ, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। एंड लास्टली आपको यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर देना है। ठीक है, देखिए इट सीम्स दैट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव यहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है लगता है, मुझे ऐसा लगता है या फिर ऐसा लगता है। जब भी हम बात करते हैं ऐसा लगता है तुम परेशान हो, ऐसा लगता है कि वह चोर है, तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस की कि ऐसा लगता है, ओके, ऐसा लगता है कि वह अनाड़ी है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इस तरह के ये स्ट्रक्चर। जब भी हमें इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने हुए कि ऐसा लगता है वह गरीब है, ऐसा लगता है वह चालाक है, ऐसा लगता है कि वह अनाड़ी है, ऐसा लगता है कि वह कंजूस है, तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर ये है। अब चलिए अब इससे रिलेटेड हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ एग्जाम्पल आप किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है तुम परेशान हो, परेशान हो, ठीक, ये है सेंटेंस आपका, ऐसा लगता है तुम परेशान हो, ओके। सपोज आपका फ्रेंड ऐसे सर झुका के ऐसे बैठा हुआ है तो आप उसके पास गए, तो ये फिर ऐसे नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ है तो आपने फ्रेंड से कहा कि ओके ब्रो हाउ आर यू, तो उसने कहा या आई एम फाइन, तो आप ऐसा बोल देना ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो, कोई बात हुई है क्या, मतलब कोई बात है या फिर कोई बात ऐसी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी या फिर कोई बात ऐसी है कि जो तुम्हें परेशान कर रही है, ओके। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे ऐसा लगता है तुम परेशान हो, तो इट सीम्स दैट क्या यूज करेंगे, इट सीम्स दैट कौन परेशान है, तुम परेशान हो, यू, ठीक है, यू आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लग जाएगा यू के साथ आर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपसेट,
परेशान हो, इट सीम्स दैट यू आर अपसेट। ओके, तो ऐसे हम इसको यूज करेंगे।